बावलोग, रिंग्स ऑफ पावर में तबाही अभी तो फिलहाल नहीं चल रही है, लेकिन हमें आगे जाके देखने को जरूर मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ तक अभी बहुत स्टोरी बिल्डिंग चल रही है। 4 से 5 जगह पर एक साथ कहानी चल रही है, दैट्स वाई कि थोड़ा सा मामला थोड़ा बोर भी करके जा रहा है। खैर, आज सेकंड एंड थर्ड एपिसोड को रिव्यू ना एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहां खाजा दूम में बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है। एक भूकंप की वजह से काफी डैमेजेस खाजा दूम में यहां पर आ चुके हैं और अभी भी किंग ड्यूरिन और प्रिंस ड्यूरिन के बीच में अनबन देखने को मिल रही है सीजन 1 की वजह से। दूसरी तरफ गैलेडियल को सौरन के नाइटमेयर्स बार बार आ रहे हैं और उसे चैन से रहने नहीं दे रहे हैं, और हर दिन उसे सौरन के मारने की जिज्ञासा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, यानी गैलेडियल को। और गिलगैलेड अब इस मैटर पर बहुत सीरियसली ले रहे हैं, एक टुकड़ी को एलरॉन्ड की कमांडिंग में गैलेडियल सहित इरेगियन को भेजना चाहते हैं, क्योंकि दे नो सौरन सबसे पहले वहीं जाएगा। उससे पहले जो 3 रिंग उन दोनों ने मिलकर बनाई, यानी सौरन और कैलिब्रिमोर ने, वो अब एल्फ के हाथ लग चुकी है और वो अब दोबारा से फिर रिंग्स बनाना चाहेगा, वो पावरफुल रिंग, ताकि एल्फ को वो नेस्तनाबूद कर सके। और अब वो फिर कैलिब्रिमोर के साथ रिंग्स बनाने पर मजबूर कर रहा है, उसे मजबूर कर रहा है, उसकी बहुत तारीफ करके, बहुत झूठे मोटे वादे झूठ मूठ बोलकर उसे मतलब मस्खा लगा रहा है, जिसने इरेगियन पर कदम रख लिया है और कैलिब्रिमोर को मना भी लिया है। फिर से नया काम उन दोनों ने शुरू कर भी लिया है और एक नए रूप में नॉट हेलरॉन्ड हेलब्रांड बनकर, इस बार एनाटोर के रूप में, यानी गिफ्ट का देवता। और यहां कैलिब्रिमोर काफी खुश हो चुका है और वो एप्रिसिएशन सौरन की तरफ से मिल रही है, जिसकी वजह से वो दोबारा से काम शुरू करने चल दिया है। दूसरी तरफ स्टार को पीछा किया जा रहा है। स्टार वही अपना मिस्ट्री मैन जो गैंडोल्फ भी कहा जा रहा है, लगातार इस शिकारी उसका पीछा कर रहे हैं, क्योंकि उसकी ताकत बाकी के लोग यानी वो जानते हैं जो स्टार को बखूबी जानते हैं, कि एक बार ये पावरफुल हो गया, इसे सारा कुछ रिकॉल हो गया, तो ये सबकी धज्जियां उड़ा के रख देगा। और वो लगातार जर्नी पे जर्नी कर रहा है नॉरी और पॉपी के साथ, जहां से अब उसे छड़ी मिल चुकी है, वो छड़ी जो उसे बार बार सपने में आ रही थी, और छड़ी मिलते ही वो जबरदस्त पावरफुल होते भी नजर आया है। दूसरी तरफ बोनो को कैलिब्रिमोर से निमंत्रण भी मिल चुका है, क्योंकि हेलब्रैंड ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया, किसका, कैलिब्रिमोर का, मिडिल अर्थ बोनो और ह्यूमंस को बचाने के लिए, क्योंकि यहां पर उसने एक बात यहां पर फेंकी कि एल्फ के लिए, एल्फ को तुमने बचा लिया है, एल्फ को 3 रिंग दे दिया, बट मिडिल अर्थ को कौन बचाएगा, बोनो को कौन बचाएगा, ह्यूमंस को कौन बचाएगा, उनके लिए एक नई रिंग्स बनाई जाए ताकि वो भी सेफ हो जाए, क्योंकि ऑक्स का जो पिछली बार युद्ध हुआ था उससे कैलिब्रिमोर भी अलर्ट है, दैट्स व्हाई कि वो चाहता है कि सभी लोग सेफ रहें एल्फ से। और यहां पर एपिसोड 2 खत्म होता है, देन थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है। बावलोग, थर्ड एपिसोड नए बंदों को पूरा घुमा के रख देगा, बहुत पूरा सर घुमा के रख देगा, क्योंकि ये नए बंदों के लिए है ही नहीं। आपने सीजन 1 देखा है, दैट्स तभी आपको ये सेकंड सीजन समझ में आ पाएगा। तो मैं कहूंगा भाई देखो, जरूर देखो, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें, नई स्टोरी बिल्डिंग चल रही है, सेकंड एज की कहानी दिखाने की कोशिश करी है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की। इससे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बहुत से हमने पहले भी देख चुके हैं मूवीज एंड एपिसोड्स, लेकिन बाबा इसमें कुछ नया है। ये सीधा कनेक्ट करा गया है आखिरी युद्ध में न्यूमिनोर के ह्यूमंस और ऑर्क्स के बीच में, जो लड़ा जाता है सीजन 1 के एंडिंग पर, और ज्वालामुखी फटने से काफ़ी तबाही वहां पर हो चुकी थी और पूरे न्यूमिनोर में शोक का माहौल चल रहा है, क्योंकि वहां पर किंग भी मर चुका है। और यहां पर जो न्यूमिनोर वासी जो वहां लड़ने के लिए गए थे, वो बहुतों ने अपनों को खोया है, किसी ने अपने बच्चे को खोया है, किसी ने अपने भाई दोस्त बहुतों को खोया है, दैट्स वाई कि न्यूमिनोर में यहां पर शोक का माहौल चल रहा है। और अब उसकी बेटी मैरिल को क्वीन बनाने की तैयारी चल रही, यानी किंग के मरने के बाद, लेकिन उसका कजिन जो फेराजोन है उसके खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहा है और खुद किंग बनना चाहता है। ये कसमकस पूरे न्यूमिनोर में चल ही रही है, जहां कमांडर पूरा साथ निभा रहा है अपनी क्वीन का, यानी मेरिल का। आफ्टर द वॉर ऑफ क्वीन की हालत ऐसी हो चुकी है कि भाई साहब कोई भी उसे इतना अप्रिसिएट नहीं कर रहा है, कोई भी उसे गाली दे जा रहा है, भला बुरा कह जा रहा है और थप्पड़ भी मार के चला जा रहा है। क्वीन की ऐसी बुरी हालत हो चुकी है। उधर कमांडर अपने बेटे के मरने के गम में भी डूबा हुआ है, लेकिन वो फिर भी क्वीन का पूरा साथ दे रहा है। लेकिन फिलहाल वो मरा नहीं है, जो कमांडर नहीं जानता है, और उसका घोड़ा बैरक जो उसे ढूंढ ही लेता है, यानी इसलिए दूर को, और वो दोबारा से पैलेगिर में चला जाता है और वहां पर भी शोक का ही माहौल चल रहा है, क्योंकि वहां अपने एरोंडीर और उसके गाँव के निवासी जो ऑक्स के द्वारा बहुत लोग वहां मारे गए थे, और अपने एरोंडीर की महबूबा जो ऑक्स के तीर से मारी गई थी, अब वो वहां उसकी श्रद्धांजलि और शोक का माहौल चल रहा है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं हुआ है थर्ड एपिसोड में भी और सेकंड एपिसोड में भी। स्टोरी प्लॉटिंग जो एक बार के लिए बोर भी करके गई है, लेकिन दूसरी तरफ सौरन और कैलिब्रिमोर पूरी तैयारी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और बोनो से मदद भी मांग रहे हैं। उन्होंने रिंग फॉर्म कर ली है, यानी अभी हमें वहां पर एपिसोड खत्म हो चुका था और फोर्थ एपिसोड में पता चलेगा कि वाकई में रिंग फॉर्म हो चुकी है या क्या हुआ है। और यहां पर अलग लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स का लेवल बहुत ही अलग है यहां पर, क्योंकि सौरन बस अपने मकसद पर छल पिछल करते हुए जो भी उसके हाथ में आ रहा है वो आगे
बढ़ते ही जा रहे हैं और डेफिनेटली फोर्थ एपिसोड में मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ तक बहुत स्टोरी प्लॉटिंग हो चुकी है। बाकी बाबा दैट्स ऑल द रिव्यू फॉर एपिसोड 2 एंड एपिसोड 3 और देखते हैं कि फोर्थ एपिसोड में क्या मिल जाएगा। फिलहाल आज तो नहीं, एपिसोड 4 का रिव्यू आ पाएगा एंड एक्सप्लेनेशन आ पाएगा। कल सुबह हम कोशिश करेंगे कि एपिसोड 4 पे भी जल्द ही एक्सप्लेनेशन आ जाए क्योंकि एपिसोड 4 में कुछ नया देखने को मिला है भाई, थोड़ा मोड़ा और यहाँ से सुनने को मिला है कि एपिसोड में कुछ नया है। बाकी भाई अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो सीजन 1 देखो, देन उसके बाद सीजन 2 पर ही कदम रखना, वरना सीजन 2 पे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला आपको अगर सीजन 1 नहीं देखा है तो। मिलते हैं अगली वीडियो पर। यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो कैसी लगी जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पे जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।